Donation, sir. Thank you. Excuse me, sir. Donation, sir. Please. गरीब बच्चों के लिए है, प्लीज. ओके ओके. कॉलेज स्टूडेंट? हाँ सर. ओह, डोनेशन सर. तुम गाड़ियों के बारे में पूछ रहे थे ना, छिल्ला के आदमी सारी गाड़ियां उठा के ले गए और अब कहते हैं गाड़ियां चाहिए तो उमा को भेज दो. बोलो, भेज दो इसे. आपने पुलिस को बताया? अब ये भी जो यहाँ से गया वो पुलिस वाला ही था. कंप्लेन लिखने के बजाय मुझे चुप रहने को कह के गया. वो चाहता है कि मैं छिल्ला की बात मान लूं और अपनी बेटी को वहाँ भेज दूं. मुझे दलाल समझता है वो. इसी दिन के लिए मैंने अपनी बेटी को पास पोस्ट कर बड़ा किया था. 40 साल से अच्छी तरह जिंदगी काट रहा था और अब सब कुछ बेच दिया. इसके लिए यही अच्छा होगा कि पढ़ाई छोड़ के गाँव चली जाए. एक बिन माँ की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हें क्या पता. अब तो भगवान से भी भरोसा उठ गया है मेरा. यहाँ इतने जुल्म हो रहे हैं फिर भी जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है. आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने. ये क्या कर रहे हो? अगर आज आपका बेटा होता तो वो भी यही करता. तुम्हारा ऑटो चाहिए. क्यों? बस चाहिए. लड़की के बाप ने लड़की को एक ऑटो ड्राइवर के साथ भेजा है. उसे चाबियां दे और लड़की को अंदर ले जा. Yeah.
क्यों बे? एक बार तेरा किसी लड़की पे दिल आ जाए तो फिर उसे नहीं छोड़ता ना, और अगर लड़की नहीं आती तो उनकी गाड़ियां छीन लेता है ना। तूने उसके बाप को तो कह दिया, लेकिन उसके भाई से पूछा क्या?